नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताकर उनकी तारीफों के पुल बांधना अरुण मिश्रा के लिए मंगलकारी साबित हुआ। पिछले साल ही रिटायर हुए अरुण मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का चेयरमैन बना दिया गया। अरुण मिश्रा पर प्रसन्न हुए सरकार ने वह परंपरा भी तोड़ दी जिसके अंतर्गत अभी तक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही NHRC के चेयरमैन हुआ करते थे। अरुण मिश्रा ने अचल दत्तू की जगह ली है जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI थे। इसके अलावा सरकार ने कानून में संशोधन कर NHRC के चीफ का कार्यालय 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया। गौरतलब है कि पिछले साल 22 फरवरी को इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अरुण मिश्रा ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए थे। मिश्रा तब सुप्रीम कोर्ट के जज थे और जजों की वरिष्ठता क्रम में 3rd नंबर पर थे। उन्होंने PM मोदी को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताया था। अरुण मिश्रा की नियुक्ति के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया। TMC के सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके कहा कि सभी अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती हैं जो मोदी की प्रशंसा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।